क्वेशन ऑफ आइडियल जो है उसकी हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एक प्रोपोजिशन देखी थी जिसकी मदद से हम क्वेश्चन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम इस वीडियो के अंदर uh, तीन एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके अंदर जो है वो हम वन बाई वन अप्लाई करेंगे वही प्रोपोजिशन टू कम्प्यूट क्वेश्चन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स ठीक है जस्ट टू हैव अ लुक के जो आपकी प्रोपोजिशन थी दैट प्रोपोजिशन जो कि क्वेश्चन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रूव की थी उसकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर U1 से लेकर यू आर तक जो है वो जनरेटिंग सेट है I का और V1 से लेकर वी एस तक जो है वो जनरेटिंग सेट है J का जे काल J इज इक्वल टू इंटरसेक्शन J फ्रॉम टू S I देन इट्स कॉलन विद एवरी जनरेटर ऑफ J दैट इज वी जे और वेयर दिस I कॉलन वी जे जो है दैट इज गिवन बाय यू आई और जी सी डी ऑफ यू आई वी जे वेर आई वेर इज फ्रॉम वन अपू आर ठीक है कि ये जनरेटिंग सेट ऑफ आई जो है इसके तमाम जनरेटर्स को हम डिवाइड करेंगे जी के साथ यू आई वी जे के साथ दैट इज आई कॉलन वी जे आपके पास आ जाएगा ठीक है तो अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर जो आइडियल आई है दैट आई इज गिवन बाय एक्स वन एक्स टू स्केयर एंड एक्स टू एक्स थ्री स्केयर एंड आइडियल जे इज गिवन बाय एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आइडियल्स मैंने वही लिए जो इससे पहले हमने इंटरसेक्शन को कंप्यूट करने के लिए तीन आइडियल यूज किए थे ठीक है सो आई एंड जे आर दीज टू आइडियल्स और ऑब्वियसली ये आइडियल जो है वो पोलिनियर रिंग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के अंदर है यानी कि तीन वेरिएबल्स के पोलिनियर रिंग के अंदर है तो हम लोग क्या कंप्यूट करना चाह रहे हैं आई कॉलम जे ठीक है I, colon, J, तो इसका जो जनरेटिंग सेट होगा उसके लिए हम बेसिकली करेंगे ये यानी कि हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं एक्स वन एक्स टू स्केयर एक्स टू एक्स थ्री स्केयर एंड इट्स कॉलन विद एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स टू स्केयर ठीक है तो करेंगे ये कि इस पहले मनोमियल को लेंगे और बल्कि इस पूरे आइडियल को लेंगे और इस आइडियल का वन बाई वन इसके जो मनोमियल हैं इसके साथ हम कॉलन को कम्प्यूट करेंगे और फिर इसकी हम इंटरसेक्शन ले लेंगे यानी कि वट वी विल डू दैट एक्स वन एक्स टू स्केयर एक्स टू एक्स थ्री स्केयर इसका कॉलन लेना है किसके साथ ये x1, x2, x3 के साथ एंड देन फिर इनका इंटरसेक्शन ठीक है और इंटरसेक्शन किसके साथ अगेन आई लिखेंगे x1, x2 एक्स टू x3 एक्स टू एक्स थ्री स्केयर एंड इट्स कॉलन विद सेकेंड जनरेटर यानी कि x2 टू स्केयर ठीक है तो बेसिकली दो कंपटीशन है हमारे पास एक ये वाली और एक दूसरी वन ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको कंप्यूट करता हूं यहां पर इसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे कि ये जो जनरेटर्स हैं इसके दोनों के इनको हम डिवाइड करेंगे जी के साथ किसके जी के साथ यानी कि एक्स वन एक्स टू स्केयर ठीक है इसको डिवाइड करेंगे जी ऑफ यानी कि क्या था वो यू और वी ठीक है आपके पास यू जो है दैट इज एक्स वन एक्स टू स्केयर और आपके पास जो आपके पास वी है इस केस में वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है तो दिस इज फर्स्ट वन एंड देन सेकेंड सेकेंड आपके पास क्या है कि आपने एक्स टू एक्स थ्री स्केयर को इसको डिवाइड करना है GCD ऑफ दिस फर्स्ट मोनोमियल एंड साथ में विद एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री के साथ ठीक है तो और इंटरसेक्शन बिल्कुल इसी तरह तो इसको अगर हम कंप्यूट करें तो दैट इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू स्केयर ठीक है और GCD ऑफ दैट वन GCD में आपको याद होगा कि जब हम जी सी डी निकालते हैं दो मोनोमियल्स की तो हम मिनिमम पावर ले रहे होते हैं वेरिएबल्स की जो उसके अंदर यूज हो रहे हैं दोनों मोनोमिल्स में तो एक्स वन है ठीक है जी एक्स वन की मिनिमम पावर क्या आएगी यहां पे वन है यहां पे वन है तो आपके पास ये एक्स वन नहीं आ जाएगी ठीक है एंड देन एक्स टू है एक्स टू की मिनिमम पावर आपके पास यहां पे टू है यहां पे मिनिमम पावर वन है तो आपके पास ये एक्स टू आ जाएगी ठीक है जी और एक्स थ्री की पावर इसमें जीरो है इसमें एक्स थ्री की पावर जो है वो आपके पास वन है तो आपके पास ये मिनिमम पावर जीरो है तो ये एक्स वन एक्स टू ही इसका जीसीडी है ठीक है सेकेंड जो मोनोमिल है दैट इज एक्स टू एक्स थ्री स्केर ठीक है इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ जीसीडी ऑफ दैट वन विद एक्स वन एक्स टू एक्सन मिनिम पावर एक्स वन की पावर इस वाले में वन है इस वाले में uh, zero है तो हम पावर लेंगे एक्स टू की पावर दोनों में वन है तो एक्स टू आ जाएगी एक्स थ्री की पावर इसमें वन है इसमें टू है आपके पास ये एक्स थ्री आ जाएगा तो ये आपके पास जीसीडी इसका कंप्लीट हो गया ठीक है ऑन द सेम लाइन्स अगर मैं यही कुछ इस सेकेंड जो आपके पास है कैलकुलेशन जो हमने करनी है उसमें अप्लाई करूं तो एक्स वन एक्स टू स्केयर इसको डिवाइड करना है जीसीडी ऑफ एक्स वन एक्स टू स्केयर विद एक्स टू स्केर मिनिमम पावर लेंगे इसमें एक्स वन की पावर वन है इसमें एक्स वन की पावर है ही नहीं तो वो आपको बस जो नहीं है उसमें जीरो वाला लेंगे और एक्स टू की पावर दोनों में टू है तो ये एक्स टू स्केयर बन जाएगा ठीक है होगी बात दैट इज एक्स टू स्केयर और ये एक्स टू एक्स थ्री क्यूब एक्स टू एक्स थ्री क्यूब और इसको डिवाइड करेंगे जीसीडी के साथ इसके साथ अगेन टू आपके पास यहां पे एक्स टू की पावर वन है यहां पे एक्स टू तो की पावर टू है आपके पास ये एक्स टू आ जाएगा की पावर इसमें टू है इसमें जीरो है तो, तो जीरो ले लेंगे आपके पास ये कंप्लीट हो गया ठीक है तो इन नट शेल आपके पास ये जो बना है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली फर्स्ट जो आइडियल आपके पास एक्स वन एक्स टू और एक्स वन एक्स टू स्केयर इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास सिंपल ये एक्स टू बच जाएगा ठीक है और देन यहाँ पे एक्स टू एक्स थ्री स्केयर है यहाँ पे एक्स टू एक्स थ्री है ये कैंसिल होकर वापस आपके पास एक्स थ्री बच जाएगा और उसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ यहां पे ये एक्स टू स्केयर एक्स टू स्केयर के साथ कैंसिल बाकी आपके पास एक्स वन और यहां पे एक्स टू और एक्स टू कैंसल बाकी एक्स थ्री स्केयर ठीक है तो अभी आपके पास जो है क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल में पहला आइडियल आपके पास है एक्स टू एक्स थ्री और दूसरा आइडियल आपके पास है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री स्केयर ठीक है इसको हम कंप्यूट करते हैं जो हमने कि हमने इंटरसेक्शन को कंप्यूट करना है इससे पहले देखा था कि मनोमेज में इंटरसेक्शन को कैसे कंप्यूट करना है यानी कि अब आपने बेसिकली कैलकुलेट ये करना है कि x2 x3 इंटरसेक्शन विद x1 x3 इंटरसेक्शन ठीक है एक्स दैट इज इक्वल टू अब आप x2 का x1 के साथ जब आप अब जब इंटरसेक्शन कंप्यूट करते हैं तब हम नहीं लेते तब हम उसका एल्सियम ले रहे होते हैं और एल्सियम के केस में हमने हमनेल की हाइएस्ट पावर लेनी है इसमें एक्स है एक्स की पावर वन है तो एक्स आ जाएगा और इसमें एक्स टू एक्स टू की पावर वन है इसमें एक्स टू नहीं है तो आपके पास ये एक्स टू आ जाएगा ठीक है फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ एलसीएम दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स टू का सेकंड वन के साथ दैट इज एक्स टू एक्स थ्री स्केयर ठीक है और फिर ये सेकंड का फर्स्ट के साथ दैट इज एक्स वन एक्स थ्री एंड देन इसका सेकेंड का लास्ट के साथ वो आपके पास आ जाएगा एक्स थ्री स्केयर ठीक है अब ये जो ये सेकेंड टर्म है दिस इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ एक्स थ्री स्केयर ठीक है तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं दैट इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री एंड एक्स थ्री स्के तो इस तरह करके ये आपके पास जो है कंप्लीट हो गया है आई कॉलन जे फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये हमने आई कॉलन जे को कंप्लीट कर लिया